हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज में एसजीएफ नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स दिख रही होगी आपको, एटी, वीटी, टीएटी, डब्ल्यूटी, ठीक है। तो जो भी टर्म्स हम एल्गोरिदम के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप के, तो उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, इसका मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जो चैनल पर अपलोडेड है। तो आप सबसे पहले वो चेक कर लो ताकि आपको सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने इससे पहले एक एफसीएफएस पढ़ाया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपी शेड्यूलिंग, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि जो प्रोसेस पहले आती है, जो एफसीएफएस होता है, वो नॉन प्रिमिटिव टाइप का होता है। नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है, बस आप प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में कंफ्यूज होना, बस एक बात याद रखना कि नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव मींस जो प्रोसेस पहले सीपीयू के पास आती है वो पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद सीपीयू उसको टर्मिनेट करता है। लेकिन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग के केस में यदि कोई प्रोसेस सीपीयू के पास आती है एग्जीक्यूशन के लिए और कोई अदर प्रोसेस एंटर हो गई, जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है और कोई अनादर प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में एंटर हो गई और उसने कहा कि मुझे सीपीयू चाहिए और उस प्रोसेस का प्रायोरिटी हाई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पीवन प्रोसेस को हाफ ही एग्जीक्यूट करने के बाद उसको हमको फिर से रेडी क्यू में लाना पड़ेगा और जो प्रोसेस हमारे पास में आई है हाई प्रायोरिटी को, हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस, उसको सीपीयू देना पड़ेगा, मींस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बस ये इतना याद रखना है आपको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के केस में, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीपी शेड्यूलिंग का, तो सबसे पहले चेक करना है कि प्रिमिटिव टाइप का क्वेश्चन है या नॉन प्रिमिटिव का। स्टूडेंट्स कई बार ये गलती करते हैं, बस देख लेते कि एसजेएफ है और आगे प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है, बिना कुछ देखे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और वो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में गलत हो जाता है। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको पहले अच्छे से रीड कर लिया करो कि उसमें क्या पूछा है, क्या कौन सी वैल्यूज दी है। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि जैसे अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम है, ठीक है, अब नॉर्मली हम जब सॉल्व करते हैं तो हमने पहले अराइवल टाइम लिखा हुआ है, बर्स्ट टाइम, जैसे जो भी एजुकेटर से आप पढ़ते होंगे, तो या तो कोई कोई यहाँ पर फर्स्ट बर्स्ट टाइम लिख देता है, बाद में अराइवल टाइम लिख देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं और जो लिखने का तरीका है, ठीक है, उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अराइवल टाइम कौन सा और बर्स्ट टाइम कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है, मैं बहुत इजिली आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का और इजिली क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे पहले क्या देखोगे कि एग्जाम में क्या क्या हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्या वैल्यू हमको फाइंड करना है। कभी कभी एग्जाम में होता है कि सिर्फ पूछ सके एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, ठीक है, और हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम तो निकालना ही होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश कर देते हैं, वेटिंग टाइम निकालते ही नहीं है और उसका एवरेज भी नहीं निकालते, है ना। तो क्वेश्चन को मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्या दिया हुआ है। अब एसजीएफ जो है प्रिमिटिव से भी सॉल्व होता है, नॉन प्रिमिटिव से भी सॉल्व होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस दे दिया है एसजीएफ तो बस हमने स्टार्ट कर दिया करना, हो सकता है उसने प्रिमिटिव केस में दिया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा केस कौन सा है अभी, नॉन प्रिमिटिव, वो बताऊंगी मैं कैसे सॉल्व करते हैं और इसी क्वेश्चन को हम प्रिमिटिव से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो एसजीएफ, एसजीएफ का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। पहले समझेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या होता है। देखो एफसीएफएस में क्या हुआ था, नाम में लिखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सिंपली हमारा जॉब या प्रोसेस आ रहा था सिस्टम में, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, टर्मिनेट कर रहे थे, ठीक है, हमने लाइन बाय लाइन या जो प्रोसेस पहले आ रहा था रेडी क्यू में, ठीक है, उसको सीपीयू देते गए, टर्मिनेट होते गया, ठीक है, बहुत सिंपल था एफसीएफएस। लेकिन एसजेएफ के केस में नाम से क्लियर है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिस जॉब का, जॉब से कंफ्यूज मत होना, जॉब मतलब प्रोसेस कह रहा है वो, ठीक है, जिस जॉब का या प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मींस एग्जीक्यूशन टाइम, ये जो बर्स्ट टाइम है इसको हम एग्जीक्यूशन टाइम भी कहते हैं, तो जो बर्स्ट टाइम है जिस प्रोसेस का सबसे शॉर्ट रहेगा, ठीक है, ये जो नंबर दिए है ना जिसका कम रहेगा, जैसे यहां पर किसका दिख रहा है, पिंटू का सबसे कम दिख रहा है बर्स्ट टाइम, इस टाइप से देखना है कि जिसको सॉल्व करने में, जिसको एग्जीक्यूट करने में सीपीयू को सबसे कम टाइम लगेगा वो हमको प्रोसेस पहले देना है सीपीयू को, ठीक है। इसका मतलब ये है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, ठीक है।
और ये अराइवल टाइम गिवन है हमको, सब प्रोसेस का अपना अपना अराइवल टाइम है, मतलब ये फाइव प्रोसेस जो है मेरे सिस्टम में तो है लेकिन रेडी क्यू में नहीं आई है अभी। रेडी क्यू मीन्स जैसे रैम में है ना, रैम में क्या होता है जिस जिस प्रोसेस का हमको एग्जीक्यूशन करवाना है वो रैम में रहती है। अब रैम सीपीयू कहां से लेता है प्रोसेस को, रैम में से उठाता है, ठीक है। सीपीयू रैम से प्रोसेस को उठाएगा और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अभी मेरे रैम में कितनी प्रोसेस है, अभी रैम में नहीं सिस्टम में, कहां पर है सिस्टम में। अब वो आ कब रही है, ठीक है, अराइवल टाइम क्या है उनका, ये यहां पर गिवन है कि कौन सी प्रोसेस कब रेडी क्यू में एंटर हो रही है, मतलब अराइवल टाइम, ठीक है। क्योंकि जब प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी उसके बाद ही तो हम वो प्रोसेस को सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाएंगे, क्लियर हो रही बात। तो देखो अब कैसे होगा, ये गैंट चार्ट बना रही हूं मैं, ये गैंट चार्ट के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा कौन सी प्रोसेस कब अराइवल हुई, मतलब रेडी क्यू में आई, और उसको कितना वेट करना पड़ा सीपीयू का, कब उसको सीपीयू मिला। देखो बहुत इजी, अब ध्यान से देखेंगे न्यूमेरिकल। देखो सबसे पहले है प्रोसेस आईडी और प्रोसेस नंबर, कंफ्यूज मत होना, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, या तो प्रोसेस आईडी बोलेगा प्रोसेस नंबर बोलेगा, मतलब प्रोसेस का नेम गिवन है या उसका नंबर गिवन है। अराइवल टाइम है, सब प्रोसेस का अपना अपना अराइवल टाइम गिवन है कि कौन सी प्रोसेस कब अराइव हुई, मतलब कब रेडी क्यू में आई, ठीक है। और मोस्ट टाइम मतलब उस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए सीपीयू चाहिए। P1 ने क्या बोला कि मैं 2 मिलीसेकंड पर, ठीक है, 2 मिलीसेकंड पर रेडी क्यू में आ गई हूं और मुझे कितने टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, 6। मतलब सीपीयू जब मुझे 6 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट करेगा तब मैं कंप्लीट हो जाऊंगी और टर्मिनेट हो जाऊंगी, ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है, P1 प्रोसेस। सेम P2 बोल रहा है कि मैं, मेरा अराइवल टाइम है 5 मिलीसेकंड का, मुझे 2 मिलीसेकंड के लिए सीपीयू चाहिए, उसके बाद मेरा एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। तो इस टाइप से सब प्रोसेस ने अपना अपना अराइवल टाइम बताया है और बर्स्ट टाइम बताया है। अराइवल टाइम बताया है मतलब कब वो प्रोसेस रेडी क्यू में आने वाली है, और बर्स्ट टाइम बताया है मतलब कितने टाइम के लिए उसको सीपीयू चाहिए रहेगा, ठीक है। अब देखो जब हम गैंट चार्ट स्टार्ट करेंगे तो जो गैंट चार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो 0, अब यहां पर चेक करो अराइवल टाइम 0 किसका है, P4 का, ठीक है, किसका है, P4 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर गैंट चार्ट में सबके अराइवल टाइम लिख लेंगे ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो कि कौन प्रोसेस कब आ रही है और कब नहीं, ठीक है। अब 0 पर आई, ठीक है, 1 मिलीसेकंड पे कौन आ रहा है सिस्टम में, 1 मिलीसेकंड पे आ रहा है P3, ठीक है, 2 मिलीसेकंड पे आ रहा है P1, फिर 3 तो है ही नहीं, उसके बाद में 4, 4 मिलीसेकंड पे कौन आ रहा है P5, 5 मिलीसेकंड पर कौन आ रहा है P2, इतना हमने लिख लिया, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। गैंट चार्ट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से चलता है। तो जो कौन से प्रोसेस कब अराइव हो रही है वो मैंने लिख लिया है यहां पर सबसे पहले, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 0 पर आई है P4, और नॉन प्रिम्प्टिव के केस में क्या बोलता है कि जो प्रोसेस पहले अराइव हुई उसको सीपीयू मिल जाना चाहिए, ठीक है, जिसका और जिसका टाइम कैसा हो, शॉर्टेस्ट हो, और जो प्रोसेस सीपीयू के पास आएगी शॉर्टेस्ट, जो फर्स्ट में जो प्रोसेस सीपीयू के पास आएगी उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा। तो अब 0 मिलीसेकंड पे मेरे पास सिर्फ एक प्रोसेस आई है, ठीक है, P4, और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 3 मिलीसेकंड का। तो 0 पर P4 आई तो मैं क्या करूंगी, P4 को दे दूंगी, और जब P4 है सीपीयू के पास तो क्या करेगा, उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा। इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 3, मतलब सीपीयू कितने टाइम के लिए मिलेगा P4 प्रोसेस को, 3 मिलीसेकंड पर, 1, 2, 3, मतलब यहां तक, ये 3 मिलीसेकंड तक कौन मिला, 1, ये देखो 3 मिलीसेकंड तक किसने एग्जीक्यूट किया, P4 ने। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसा हो गया, ये P4 हमारी अब बाहर निकल गई क्योंकि इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। अब जब तक ये चल रहा है, ठीक है, 3 मिलीसेकंड तक P4 जब तक चल रहा था तब तक हमारे सिस्टम में कौन कौन अराइव हो चुका था, P3 और P1। ये जो P4 और P2 है तो अभी अराइव हो ही नहीं है, अभी तो हमारी प्रोसेस चल रही है, ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ लिख कर रखा है कब अराइव होने वाली है, अभी हुई क्या सिस्टम में, नहीं, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते। भले ही P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है लेकिन इसको हमने पहले क्यों नहीं लिया। अच्छा, यदि अराइवल टाइम 0 होता, ठीक है, मतलब सब प्रोसेस 0 पर अराइव हो जाती, तो हम क्या करते, पहले P2 को देते क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, फिर P4 को देते क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कम है,
ठीक है, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद क्या आता है फोर, तो उसके बाद में पी फोर हम पी फाइव को देते ठीक है सीपीयू, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम तो कम है, लेकिन ये रेडी क्यू में आई ही नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम उसको सीपीयू दे सकते हैं क्या? नहीं, हमारे पास जो प्रोसेस है ऑलरेडी रेडी क्यू में, सिर्फ हम उसी को सीपीयू देंगे भले ही उसका बर्स्ट टाइम ज्यादा हो या कम हो। ठीक है, अब देखो पी टू का भले ही 2 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम है, लेकिन वो अभी हुई नहीं है, अभी रेडी क्यू में नहीं आई है, तो अभी हमारा हम कहां तक पहुंचे 3 मिली सेकेंड तक, और हमने अब यहाँ पर चेक करना है कि हमको किसको सीपीयू देना है। यहां तक तो पी थ्री तक हमारा 3 मिली सेकेंड के लिए कौन चला, पी फोर चल गया। अब 3 मिली सेकेंड पर मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ और मैं ये सोचूंगी कि अब मैं किसको सीपीयू दूंगी, किसको दूंगी, मेरे पास कौन कौन प्रोसेस थी, जब तक पी फोर का एग्जीक्यूशन चल रहा था तब तक पी थ्री और पी वन दो प्रोसेस हमारे एंटर हो चुकी थी रेडी क्यू में। अब इन दोनों में से हमको कंपेयर करना है किसको हम सीपीयू दे, पी थ्री और पी वन में से। अब देखो पी थ्री पी वन इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6 और इसका है 8, तो हम किसको देंगे सीपीयू, पी वन को। क्यों? क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कम है, क्योंकि हमारा एल्गोरिदम का नाम क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम रहेगा उसको हम सीपीयू देंगे। तो यहाँ पर P1 का बर्स्ट टाइम क्या है, सबसे कम है इन दोनों में से, ये दोनों प्रोसेस अराइव हो चुके थे रेडी क्यू में, और इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया तो दोनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है, P1 का, इसलिए हम P1 को सीपीयू देंगे। तो अब मैं जब P1 को सीपीयू दूंगी, ठीक है, P1 को मैंने सीपीयू दिया तो कितना चलेगा, P1 कितना है 6 मिलीसेकंड, तो चलेगा P1 हमारा 6 मिलीसेकंड तक, मतलब कितने तक चलेगा, 9 तक। क्लियर है? अब P1 भी हमारा क्या होगा, बाहर चला गया क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, P4 का हो गया, P1 का हो गया, ये 3 तक चले था P4, अब P1 6 चला, मतलब 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9। अब मैं यहां खड़ी हूं, अब मुझे सोचना है मुझे किसको देना है सीपीयू, मेरे पास जो प्रोसेस है उसमें से सोचना पड़ेगा। तो देखो P1 तो चली गई बाहर, P4 भी चली गई, और अब मेरे पास सारे प्रोसेस है सिस्टम में, जब तक मेरा P1 का मैं एग्जीक्यूशन करवा रही थी तब तक P5 और P2 भी एंटर हो चुकी है रेडी क्यू में। ठीक है, अब मेरे पास P2 भी है, P3 भी है, P5 भी है, अब मेरे पास 3 प्रोसेस है, 1, 2 और 3। अब इन तीनों में से मुझे कंपेयर करना है किसको सीपीयू दूंगी मैं, ऑब्वियसली P2 को दूंगी क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम कम है। जब मेरे पास रेडी क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेस होती है तो मैं कैसे चेक करती हूँ, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको पहले सीपीयू देंगे, उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके पास अनादर प्रोसेस आएगी सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, अब देखो P4 हो गया, P1 हो गया, इन तीनों को हमने जब कंपेरिजन करा, ठीक है, तो किस कौन आएगा, P2 कितना चलेगी, 2 मिली सेकेंड के लिए, अभी यहां पर 9 पर थी, अब ये 2 मिली सेकेंड चली, मतलब 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब इसके बाद ये भी चली गई, अब ये 2 बची, इन 2 में से किसको दूंगी मैं सीपीयू, P5 को, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम इससे कम है, तो P5 को दूंगी मैं, और P5 कितना चलेगी, 4, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इसके बाद अब कौन बचा है, P3, तो लास्ट में हम किसको देंगे सीपीयू, P3 को, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 8, तो 15 प्लस 8 तो 20। ठीक है, तो इस टाइप से हम एसजीएफ सॉल्व करेंगे, पहले तो आप सिंपली लिख लेना कौन सी प्रोसेस कब अराइव हुई है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हमको क्या चूज करना है कि 0 पर कौन सी प्रोसेस आई, जब प्रोसेस आई उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन कराओ और आगे बढ़ो, और हमको क्या चेक करना है, हर बार जब भी एक एक प्रोसेस का हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे तो हमको चेक करना है कि कितनी प्रोसेस मेरे पास है, और उन प्रोसेस के बर्स्ट टाइम को हमको कंपेयर करना है। एसजीएफ में क्या करना है, बर्स्ट टाइम को कंपैरिजन करना है, जिसका बर्स्ट टाइम कम हो उसको पहले सीपीयू देना है। इस टाइप से इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब लास्ट में कितना है मेरा, 23। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बर्स्ट टाइम है टोटल सबको हमने सॉल्व किया तो लास्ट में 23 आया बर्स्ट टाइम, अब इनको चेक करो क्या इनका टोटल भी 23 है, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 3 19, और 19 प्लस 4 23, मतलब हमारा ये आंसर सही बना हुआ है। क्लियर है? अब हमको क्या चेक करना है, हमको टर्न अराउंड टाइम निकालना है और वेटिंग टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस माइनस अराइवल टाइम। ठीक है,
टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। अब हम सारी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। P1 का निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अब P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना है, देखो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो कंप्लीशन टाइम देखो पहले कितना है P1 का, ये P1 का यहां, और ये कब कंप्लीट हो रही है 9 तक, इसके बाद P1 का ही चल रही है क्या, नहीं, ये P1 जो थी कहां तक चली, कहां पर कंप्लीट हो रही है, यहां पर 9 मिलीसेकंड पर, तो 9। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P2 का 11। P3 का कितना है, P3 का है यहां खत्म हो रही है 23 पर। P4 का कितना है 3। P5 का कितना है 15। और अराइवल टाइम सिंपली दिया हुआ है, यहां से लिख लो 25104। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो कितना आता है, 9 माइनस 2 कितना हुआ 7, 11 माइनस 5 6, ये 22, ये 3 और ये 11, इनको क्या करो टोटल कितना हुआ, तो टोटल 49। क्लियर है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल आया है उसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है 5, कितना आएगा, तो ये हुआ हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब हम निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। अब सबका टर्न अराउंड टाइम लिखेंगे, P1 का टर्न अराउंड टाइम है 7, P2 का है 6, P3 का है 22, P4 का है 3, P5 का है 11, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम बर्स टाइम, तो सारे प्रोसेस का बर्स टाइम गिवन है 6 2 8 6 2 8 3 4। क्लियर है, टर्न अराउंड टाइम यहां से लिख लिया हमने सारे प्रोसेस का, अब वहां से हमने क्वेश्चन में गिवन है बर्स टाइम लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 minus 6 1 6 minus 2 4 22 minus 8 कितना हुआ 14, 3 minus 3 0, 11 minus 4 7, तो कितना हो गया 26। और एवरेज यदि निकालना है हमको, एवरेज वेटिंग टाइम मीन्स टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 5.2, है ना। तो ये हुआ हमारा एवरेज वेटिंग टाइम। क्लियर हुआ, एसजेएफ नॉन प्रिम्प्टिव के केस में किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है। ये बहुत इजी है, फर्स्ट टाइम सॉल्व किया आपने, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे इसी क्वेश्चन को, और मेन बात है गैंट चार्ट है, गैंट चार्ट सही बन गया तो ये सारे वैल्यूज तो सही आना ही है, ठीक है। और ये तो इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना है, टर्न अराउंड टाइम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और एवरेज निकालना है, वेटिंग टाइम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। मेन है आपका गैंट चार्ट, गैंट चार्ट बनाना यदि आपको आ गया तो आप इजीली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में थोड़ा भी आपको डिफिकल्ट लग रहा हो या जो भी हो, आप इस वीडियो को और एक बार वॉच करो ताकि आपको हर चीज इसकी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये था एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिम्प्टिव के केस में, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे प्रिम्प्टिव के केस में, ठीक है। थैंक यू।